हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मैं वीडियो में एक पेंसिल कलर से पोर्ट्रेट बनाने वाली हूँ बेबी फेस का। सो आई विल शो यू फ्रॉम स्टार्ट कि कैसे मेजरमेंट लेना है आईज, नोज एंड लिप्स का। जब पूरा प्लेसमेंट हो जाए किस तरह से बनाना है, एंड देन फाइनली आप पूरा डिटेलिंग पे कैसे जाते हो, शेडिंग कैसे करनी है विथ पेंसिल कलर्स, नॉट विथ पेंसिल। सो वो मैं आपको शो करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, इन केस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज मैं वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोस रिलीज करती हूँ, बी इट रिलेटेड टू पेंसिल स्केचिंग, चारकोल से और ऑयल पेंट से, और मे बी वाटर कलर समटाइम्स। तो वो वाली सारी वीडियोज अगर आपको लर्न करनी है, आप भी आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो मैंने एज अ रेफरेंस अपने ही डॉटर का एक पिक्चर लिया हुआ है और उस पिक्चर को मैं देखकर एज अ बेस बना रही हूँ। सो आप देख सकते हो कि मैं अभी स्केल से मेजर कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि आईज के बीच में जितना गैप होता है वो नॉर्मली यू नो सेम आई के साइज का ही गैप होता है, स्लाइटली कम भी होता है उससे। एंड क्योंकि ये पोस्चर में फेस थोड़ा सा टिल्टेड है तो इसलिए मैं स्लाइडली एक एंगल पे आईज को ड्रॉ कर रही हूँ। एंड डायरेक्टली मैंने पेंसिल का यूज नहीं किया है, मैं पेंसिल कलर से ही बना रही हूँ, लाइट कलर से। बिकॉज पेंसिल से क्या होता है, बाद में जब आप पेंसिल कलर का यूज करोगे उसको कलर करने में, तो वो ब्लैक बॉर्डर्स ही दिखेगी, तो वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। आप कोई भी लाइट कलर का पेंसिल कलर यूज कर लो, इन केस अगर आपको ज्यादा रबिंग नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ पर पिंक कलर यूज किया है। आईज के जो गैप होता है उसकी वहीं पर हमारी नोज नॉर्मली एंड होती है। यहाँ से आईज अगर आप देखो तो मिड आई से यहाँ तक इस एरिया के बीच में होता है। ये लिप्स का पोर्शन होता है और इससे थोड़ा सा कम नोज का पोर्शन होता है। एंड हाइट में भी आप देखोगे तो जितनी आपकी आई होती है नॉर्मली उससे 1.5 या 1.2 साइज में आपकी नोज होती है। तो आप नॉर्मली यही रेफरेंस का आप यूज कर सकते हो, यही मार्क्स करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। बेटर होता है अगर आप अभी बहुत ज्यादा लर्निंग स्टेज पे हैं तो जो भी आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है वो सेम साइज में, लेट्स से आप A4 शीट में बना रहे हैं तो आप A4 शीट का ही वो प्रिंट आउट लेके रख लीजिए, सो दैट आप मार्किंग कर लें कहाँ कहाँ आईज एंड नोज है। अभी मैं तो मोबाइल को ही देख कर उसको एनलार्ज वे में ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है अगर आप छोटी इमेज को देख के फिर उसको बड़े में आप ड्रॉ करते हैं तो कई बार आपका यू नो वो रिलेटिव वे में आपके स्ट्रक्चर्स जो भी फीचर्स है वो प्रॉपरली नहीं ड्रॉ हो पाते हैं। अगर आप न्यू हैं स्केचिंग में तो आई वुड रिकमेंड कि आप सेम साइज का एक बार प्रिंट आउट ले लीजिए एंड देन उसको एज अ रेफरेंस यूज करिए, आपको काफी ईजी होगा। नाउ अभी आप देख रहे हो मैं कहीं पर भी डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, इट्स जस्ट दैट कि मुझे सिर्फ आउटलाइंस बनाने हैं। जहां जहां मुझे समझ में आ रहा है कि लिप्स कहाँ पर ड्रॉ हो रहे हैं, कहाँ एंड हो रहा है, नोज में भी जो चीजें हाईलाइटेड है मोस्टली आप देखोगे तो कहीं पर भी यहाँ शेडो नहीं होता है, तो ये एरिया कभी भी प्रॉपरली आप पेंसिल से या किसी से भी ड्रॉ नहीं करते हो। मोस्टली आपका लोअर पार्ट जो होता है नोज का वही डार्कर वे में होता है, बिकॉज उसी में शैडो होती है, तो उसी को मैं सिर्फ ड्रॉ कर रही हूँ, बाकियों को आप ड्रॉ नहीं करते हो। इट्स जस्ट दैट आप कलर की शेडिंग कर सकते हो। नाउ आईज, नोज और लिप्स हो गए हैं। अब क्योंकि इमेज में जैसा कि आप देख सकते हो कि एक फिंगर रखी हुई है माउथ में, तो पहले मैं उसको भी एक बार आउटलाइन उसका ड्रॉ कर लूंगी, तब मैं पूरे फेस को कंप्लीट करके एंड देन हैंड्स और बॉडी जितनी भी विजिबल है फोटोग्राफ में वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। नाउ मैं फेस पे आ गई हूँ, फेस का आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज बाकी जो हमारी ड्राइंग होगी जैसे ईयर्स या हेयर्स वो सब फेस के आउटलाइन पे डिपेंड करेगा। सो नेक्स्ट स्टेप होता है आप फेस को प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर लें। ये मैंने हैज को ड्रॉ कर लिया है। एंड नाउ लोअर पार्ट में जो मैंने जैसे पिक्चर में एक हैंड दिख रहा है बेबी का, वो मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए लर्न करना। नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा कि आईज को रियल वे में ड्रॉ करना है कि कितनी रियलिस्टिक बन सकती है। सो फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली सबसे पहले आपको प्यूपिल बनाना होता है, कहाँ पर वो ऑलरेडी दिया हुआ कितना विजिबल है, एंड एकदम से उसे डार्क नहीं करना है। बहुत लाइट वे में हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज अभी भी हमारे पास स्कोप रहता है कि इन केस आप फेस को एक बार मैच कर सकते हो इतना ड्रॉ करने के बाद भी कि क्या ये कहीं पर भी कोई चेंजेस है, जैसे कोई नोज गड़बड़ लग रही है, लिप्स गड़बड़ लग रही है, अभी भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकते हो। इसलिए डिटेलिंग को सबसे लास्ट में लाना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले पूरी आईज ही बना ली एंड देन फिर नोज पे आ रहे हैं, वो भी करते हैं लोग, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले पूरा आउटलाइन बना लो, आपके लिए बहुत ईजी होता है। एंड देन वन बाय वन स्टेप में आप कंप्लीट करें। आईज में एक और टेक्निक है, टेक्निक बोलो या छोटी सी एक सजेशन है या टिप है। जब भी आप आईज करते हो तो नॉर्मली आप कोई भी पिक्चर का रेफरेंस रहते हो तो हमेशा एक लाइट सोर्स होता है, जिस भी एंगल से फोटोग्राफ में लाइट आ रहा होता है तो आप देखोगे तो हमेशा आईज में एक रिफ्लेक्शन दिखेगा। आपकी आईज कभी भी प्लेन ब्लैक नहीं होंगी। तो आईज बनाते वक्त बिगनर्स जनरली ये मिस्टेक करते हैं कि आप आईज को पूरा ब्लैक कर देते हो, वो रियल इफेक्ट नहीं देगा, ना कि वो ना भी आई थिंक रियलिस्टिक और 3D इफेक्ट भी नहीं देगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉपरली देखें कि आईज में कहाँ से वो लाइट सोर्स दिख रहा है एंड उसका एक थोड़ा सा शेप करके उसको व्हाइट पोर्शन लीव कर सकते हैं। एंड देन बाकी एरियाज को आप ब्लैक करें और हमेशा स्ट्रोक्स आप बाहर से अंदर की तरफ ही लगाने, आपको ऐसे नॉर्मल कलरिंग नहीं करनी है पूरी आईज में। आप देखोगे तो इवनली होता है, जैसे बाहर का एरिया अगर डार्क है तो डार्क देन लाइट एंड देन, तो आपको आउटर टू इनवर्ड्स आना होता है हमेशा आईज के बनाने में। कभी भी वन वे में ऐसे जैसे कलरिंग कर रहे हैं आप बस ऐसे कलर कर लिया सर्कल को, वैसे नहीं करना होता है। ईदर इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स और आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स। अगर आप पेंसिल स्केच कर रहे हैं तो पेंसिल स्केच में आई वुड रिकमेंड कि आप चारकोल का जरूर यूज करें आईज को करने में, वो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देता है। बिकॉज पेंसिल को आप जितना भी डार्क कर लो, चारकोल जितना कंपैरिजन या लुक नहीं आएगा। सो आप चारकोल जरूर रखिए अगर आप स्केचिंग में बहुत इंटरेस्टेड है तो। नाउ नेक्स्ट आईज के आउटलाइंस एंड जहां जहां डार्क एरियाज हैं वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ, सो दैट आईज पूरी रियल लगनी चाहिए। नाउ मैंने ब्लू का शेड लेके, बिकॉज जो हमारे वाइट एरियाज होते हैं आईज में नॉर्मली उसको भी थोड़ा सा कर्व लुक देने के लिए आप इनर साइड जो होता है वो थोड़ा सा डार्क करना है एंड देन आउटर में आपको लाइटर शेड्स देने हैं एंड देन आप वाइट छोड़ सकते हो इफ यू वांट। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि लाइटर शेड्स ऑफ स्किन कलर या फिर पिंक कलर है और ब्लू कलर भी समटाइम्स, उसको आप यूज करो तो वो आपका थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड शेप दिखाई देगा। आप उसको प्लेन व्हाइट मत छोड़ देना। ना मैंने ब्राउन कलर लेके जहां जहां भी फेस में शेडोज फॉर्म होती हैं वो मैं सिर्फ ब्राउन कलर से स्लाइटली कर रही हूँ। जैसे अंडर आई में आपका कहीं कहीं पर डार्कर एरियाज दिखते हैं, प्लस चीक्स में भी आपका सिर्फ ये एरिया जनरली लाइट की वजह से थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है, बाकी जो साइड पोर्शंस होते हैं वो थोड़े से डार्क हो जाते हैं, तो उनको इफेक्ट देना है। सो ब्राउन कलर, व्हाटएवर आपके पास जो भी कलर्स हैं उसमें स्किन से जो भी हल्का सा डार्कर शेड आपको लग रहा है आप वो वाला कलर यूज कर सकते हो। सेम थिंग मैं नोज पे भी वही कर रही हूँ, जहां जहां डार्क पोर्शंस है उसको मैं डार्क कर रही हूँ एंड बाद में मैं पूरे फेस पे कलरिंग पे आऊंगी। ये जस्ट डिमार्क करने के लिए कि कौन से एरियाज पे शैडो आ रही है। मैंने बहुत ही लाइट कलर लिया है जो कि स्किन टोन कलर का ही था मेरे पास पेंसिल कलर सेट में, उसी को मैं पूरे इसमें कर रही हूँ। बहुत ही लाइट हैंड से कर रही हूँ बिकॉज फेस को मुझे उतना डार्क नहीं करना है। और द प्रॉब्लम इज पेंसिल कलर्स में मिक्सिंग ऑफ टू कलर्स आप उतने अच्छे से नहीं कर सकते हो। कॉटन लेके जैसे जनरली आप पेंसिल में जब शेडिंग होती है तो आप एक डार्क और लाइट को ब्लेंड करते हो, तो आप कॉटन का यूज कर सकते हो या ब्लेंडिंग टूल्स का यूज करते हो। इसमें उतना अच्छे से नहीं होगा पेंसिल कलर्स में। सो आई वुड रिकमेंड कि आप जितना लाइटर हैंड से ही कलर करो उतना बेस्ट है। एंड देन जब टू कलर्स जहां मर्ज हो रहे हो तब आप वहां पर थोड़ा और डार्क का इफेक्ट देखकर देन दोनों को ब्लेंड कर सकते हैं। सेम वे में मैंने ईयर्स में भी डार्कर एरियाज कर लिए हैं। लिप्स पे मैं पिंक कलर का यूज कर रही हूँ। ऑलराइट, नाउ सेम स्किन टोन, जो भी बॉडी पार्ट्स विजिबल है हैंड्स हैं जैसे, सेम है, सेम कलर मैं यूज कर रही हूँ। और ऑब्वियसली हैंड्स में भी जिस साइड से लाइट आ रही है वो थोड़ा सा लाइटर रहेगा एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो ऑपोजिट है लाइट से वहां डार्कर शेड होगा। नाउ हेयर्स पे नॉर्मली आपको ब्राउन या फिर ब्लैक यूज करना है एंड क्योंकि लाइट आ रही है थोड़ा सा पिक्चर सनलाइट में है तो कहीं कहीं पे ऑरेंज का भी शेड है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप सारा का सारा ऑरेंज कलर करो। ये माय डॉटर वाज इंसिस्टिंग तो मैंने उसको दे दिया है एंड शी इज डूइंग द हेयर्स। बाकी मैं उसको कवर अप कर लूंगी ब्लैक एंड ब्राउन कलर से। तो नाउ हेयर्स पे अभी आप फोकस मत करो, मैं उसको ठीक कर दूंगी। एंड फाइनली मैंने एक और हैंड जो विजिबल था वो भी मैंने सेम टेक्निक से बना लिया है, कलरिंग कर लिया। एंड ये वाला चीज मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ बिकॉज ये नॉर्मल ड्रेस में या जो भी ड्रेस है, शर्ट है, जो भी प्रिंट आपको लग रहा है आपको उसको उतना अच्छा नहीं बनाना है, बेसिक कलर में करना है क्योंकि आपको मेन आप चाहते हो कि आपका पोर्ट्रेट दिखाई दे। बैकग्राउंड भी कभी इतना बिजी मत बनाना कि आपकी पोर्ट्रेट या ड्राइंग से ध्यान हटे और बैकग्राउंड में जाए। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड प्लेन ही रख रही हूँ, अदरवाइज आप चाहें तो कोई भी लाइट कलर कर सकते हैं सो दैट आपका फेस दिखे। इनकेस अगर फेस बहुत लाइट है तो आप बैकग्राउंड को डार्क कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये है फाइनल लुक, आप देख सकते हो। एंड रेफरेंस इमेज भी मैंने साइड में रखी है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। सो ये कैसा लग रहा है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इन केस अगर ना नेक्स्ट आप कोई और स्पेसिफिक ड्राइंग आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।